हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैर से होंगे। ये गाड़ी है लेक्जिस GS 300। मेरे पास गाड़ी जस्ट अभी आई है दूसरी वर्कशॉप से। उस भाई ने इसमें एसी का काम किया है और एसी का काम करने के बाद जो उसका स्टीयरिंग है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, गाड़ी है लेक्जिस GS 300 2005 मॉडल। मैं इसको स्कैन करता हूँ और देखता हूँ। कस्टमर बोल रहा है कि इसमें एसी का काम किया है, एसी के काम होने के बाद इसका स्टीयरिंग काम करना बंद कर दिया, इसमें लाइट आ रही है स्टीयरिंग की। ठीक है, लाइट इसके अंदर बहुत सारी आ रही है। कस्टमर ने कहा कि मुझे चाहिए सिर्फ मेरा स्टीयरिंग काम होना चाहिए। मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करने का और मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि मुझे जाना है, अभी बहुत लेट हो गया हूँ। मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ फटाफट और देखता हूँ। ये सब कुछ पहले ही खुला हुआ है, इसका मैंने नहीं खोला। ठीक है, और वो भाई इसका कंप्यूटर भी ले आया। ये देखो कहाँ है, मैंने इसका कंप्यूटर देखा था अभी कहीं नहीं रहा। देखो ये कंप्यूटर लेकर आया। ठीक है, कि उसने बोला था इसका कंप्यूटर ख़राब है, वो कंप्यूटर भी ले आया दूसरा। मैं ज़्यादा थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको फोटो स्कैन कर रहा हूँ। मैं सिस्टम सिलेक्शन ऑल EMPS, ये रहा EMPS, इलेक्ट्रॉनिक मोटर पावर स्टीयरिंग, कम्युनिकेशन ईयरबड बोल रहा है। ठीक है, अब मैं खोलूँगा सामान इसका क्या। जाहिर सी बात है, दूसरी वर्कशॉप से गाड़ी आई है तो उसने फ्यूज़ वगैरह सब चेक कर लिए होंगे। ठीक है, इसके जो बैटरी है उसके नीचे एक वो लगा हुआ है कंप्यूटर स्टीयरिंग का, ये वाला जो कंप्यूटर है, ये लो आप लोग देख रहे हो, ये कंप्यूटर लगा हुआ है इसका स्टीयरिंग के नीचे। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये कंप्यूटर है EPS। ठीक है, तो ये कंप्यूटर बैटरी के नीचे लगा हुआ है। मैं खोलूँगा फटाफट उसको, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, और इंशाल्लाह बताऊंगा इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। एक बार फिर देखते हैं, थोड़ा सा मैं चेक करके अच्छे से। ये देखो कम्युनिकेशन फील्ड बता रहा है। ठीक है, एक बार गाड़ी स्टार्ट देखता हूँ, अगर हो जाए तो मैं दिखा दूँ अच्छे से। और क्योंकि तो इसकी बैटरी डाउन बता रहा है, वो इसकी बैटरी भी डाउन है। ठीक है, चलो मुश्किल नहीं है। अब मैं इसकी बैटरी के नीचे कंप्यूटर लगा हुआ ये वाला, ये खोल कर आपको दिखाता हूँ इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। मैंने इसकी बैटरी निकाल ली है। ठीक है, ये वाला सॉकेट मुझे निकालना है इसका। एक मिनट, ये सॉकेट निकाल के मैं चेक करता हूँ, मैं तो दिखाता हूँ अभी। ये सॉकेट मैंने निकाल लिया है, इसमें वायर है, सात वायर है इसके अंदर। जो दो वायर है वह मोटी है, बिग वायर है, और जो पांच वायर है वह स्मॉल वायर है, ब्रिक वायर है। ठीक है, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ मैं। ये देखो, उसमें दो वायर स्मॉल है, एक वाइट और एक ब्लैक, बिग वायर है ये, और ये पांच वायर हो रहा है इसके अंदर, ये रही, ये देखो। ठीक है, यहाँ दो वायर कान की है, कान कम्युनिकेशन की, जिसमें रीडिंग आती है 2.5 या 1.5 इस तरह की, और दो वायर आती है प्लस स्मॉल वायर में, एक होता है डायरेक्ट बैटरी का और एक होता है इग्निशन स्विच का करंट। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ उसमें प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं पहले बिग वायर चेक कर रहा हूँ, एक में जीरो आएगा, एक में आएगा माइनस। इसमें जीरो आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। ठीक है, इस बार में करंट जब आएगा, जब आपकी गाड़ी स्टीयरिंग चालू होगा, गाड़ी स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी मैंने इसकी इग्निशन ऑन की हुई है तो एक माइनस आ रहा है। ठीक है, ओके, अब पांच बार ये चेक करनी होंगे। ये चेक तो मैं करा देता हूँ, मैं अभी बस एक मिनट रुको। अच्छे से ना ध्यान से, ठीक है भाई, अभी मैं चेक करता हूँ। क्यों
क्योंकि अकेला हूँ यार भाई, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस बार में आएगा 2 पॉइंट या 1 पॉइंट, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये बार कान की है, ठीक है, इससे अगली बार भी कान कान कम्युनिकेशन की है। ये देखो ये कान कम्युनिकेशन है, ठीक है, दिख रहे हो आप सब अच्छे से? अब 3 बार और चेक करनी है मुझे। अरे यार सबसे नीचे वाली, इसमें आएगा करंट इग्निशन का। इसमें इग्निशन करंट नहीं आ रहा है, इसमें हाफ स्विच ऑफ करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे अगले में आएगा रीडिंग 10.7 पॉइंट इस तरह की, अभी देखते आ रही है क्या आ रही है। 6.8 पॉइंट की रीडिंग आती है, ये भी सही है। इससे आगे आएगा इसमें प्लस डायरेक्ट, ये भी चेक करते आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा इग्निशन का। ये बस पूरे वायर में अच्छे से देख लेना, जो ये वाली वायर है इसमें करंट नहीं आ रहा इग्निशन का, ठीक है, यहाँ से प्लस, इसमें स्विच का करंट नहीं आ रहा, ठीक है, वो चेक करके आप लोगों को भी दिखाता हूँ। इसमें जो ये प्लस प्लस आता है ना इग्निशन का प्लस, ये अंदर से आता है बॉडी कंट्रोल से, ठीक है। बॉडी कंट्रोल होता है लेफ्ट साइड में लगा रहता है एक, ये लगता है राइट साइड में। जो जो आता है करंट आता है इग्निशन का, ये करंट आता है लेफ्ट साइड स्टीयरिंग के नीचे फ्यूज वो लगाया है बॉडी कंट्रोल, वहाँ से आता है, उस पर लिखा रहता है इग्निशन ECU कुछ ऐसा लिखा रहता है इसके ऊपर, ECU इग्निशन कुछ, अभी जाकर देखता हूँ मैं और आप लोगों को दिखाता हूँ और फ्यूज चेक करता हूँ उसका। पता नहीं यार पहले आदमी ने कैसे किस तरह काम किया इसके फ्यूज, तो उसने चेक किए होंगे जिससे बात है नहीं, क्योंकि उसने एक कंप्यूटर भी दूसरा मंगा दिया ना इसलिए। तो फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुश्किल नहीं है, सड़ जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ लग, ओ सिट, इस पर कवर भी नहीं है यार। चलो कोई नहीं, वो फ्यूज़ होता है 10 नंबर का, 10 नंबर का फ्यूज होता है वो, 1, 2, 3 शायद ये वाला है, अभी चेक कर लेते हैं एक बार। ये ECU होता है इग्निशन ECU का, चलो यहाँ भी आ रहा है। ये वाला फ्यूज देखो, ये वाला फ्यूज है, एक साइड प्लस आ रहा है इसमें और दूसरे में आ रहा है माइनस। अच्छा जी, ये देखो ये फ्यूज है 30 नंबर का, देखो 1, 2, 3 तुम्हें तो दिखाता हूँ अच्छे से मैं, 1, 2, 3 ये फ्यूज़ है वो 30 नंबर का, ये ECU इग्निशन का फ्यूज़ है, ठीक है, माइनस प्लस। वैसे मैं चेंज करता हूँ, इसका ये फ्यूज़ ख़राब है, इस वजह से इसका स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है। दूसरे बंदे ने कैसे काम किया कुछ नहीं पता इसका भाई, फिर भी एक बार चेक कर लिया मैंने और तुम्हें वायरिंग का डेमोग्राम का पता चल गया कौन सी वायर कहाँ कहाँ से आ रही है, ठीक है। मैं इसमें फ्यूज़ लगाता हूँ दूसरा, ये मैंने फ्यूज लगा दिया है, देखो 30 नंबर आया, ओनली चेक करने के लिए बस, प्लस आ गया इसमें। चलो अब जाते हैं उसको चेक करते हैं जाके, यार मैं बहुत लेट हो गया भाई। ये लगाया मैंने इसमें, अबे आ जा, ये देखो
इसमें करंट आ गया इग्निशन का, ठीक है। इसमें ही फॉल्ट था जहाँ तक मेरी उम्मीद है। इसको फिटिंग करके इसका एक सौ ध्यान लगा हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सूट गया हुआ स्टीयरिंग के नीचे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है, इसमें करंट करंट कौन कौन से आते हैं। इसमें आएगा माइनस, ये जीरो आया एक, ठीक है। ये ऊपर तीन है, तीन में सिर्फ दो में वायर है। इसमें आता है कान कम्युनिकेशन, और जो नीचे की वायर है इसमें एक इसमें आएगा स्विच का करंट, इसमें आएगा डायरेक्ट, इसमें आएगी रीडिंग, ठीक है। बस ये करंट है इसके। अब मैं इसको फिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। गाड़ी की फिटिंग हो गई है, ठीक है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। फिटिंग पर ज़्यादा नहीं करने का, मैं मेरा जो उससे वो था रबता का रबता वो था स्टीयरिंग स्टीयरिंग का बस, ठीक है। अभी फटाफट मैं इसको स्कैन करता हूँ और दिखा दूँ आप लोगों को। इसको स्कैन कर रहा हूँ मैं, साढ़े बारह बजे हुए रात के। सिस्टम सिलेक्शन ऑल EMPS अल्हम्दुलिल्लाह। व्हीकल स्पीड सेंसर खली बल्ली करो, उसको कोई मुश्किल नहीं है, देख लेते हैं। हमारा मतलब स्टीयरिंग एंगल सेंसर से है बस, वो सॉरी स्टीयरिंग से है। गाड़ी करते हैं स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की लाइट चली गई है। आप लोग देख सकते हो, और गाड़ी में कोई ट्रबल कोड भी नहीं है। एक था वो मैंने क्लियर कर दिया है, वो शायद फ्यूज़ की वजह से आ गया होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए हो, उसमें आते हैं उसमें दो वायर मोटी है और पांच वायर बारीक है। जो मोटी वायर है उसमें एक माता माइनस आता है, एक माता ज़ीरो। जो बारीक वायर है उसमें दो माता है कान कम्युनिकेशन का करंट, तीन वायर माता है इग्निशन का, एक डायरेक्ट का, और एक रीडिंग आती है 8.5 को। जब आप स्टीयरिंग घुमाते हो ना उसकी रीडिंग शो करता है वो, ठीक है। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ पूछना है पूछ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है व्हाट्सअप का, आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ठीक है। जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नंबर मैं दे रखा है, व्हाट्सअप का नंबर मेरा हर वीडियो में मिलता है आपको। फ्री होते ही मैं आपको जवाब जरूर दूँगा, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है भाई लोग। अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें।